नमस्कार। तो अब हम ज्योमेट्री का नया चैप्टर शुरू करते हैं, सर्कल्स। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास में ये चैप्टर वापस आएगा, सर्कल। और यहाँ पे जितनी थ्योरम्स आप पढ़ेंगे उनका सबका इस्तेमाल वहाँ पे 10th क्लास में होगा। तो इसीलिए सर्कल चैप्टर आप ध्यान से कीजिए। अब हम देखें कि सर्कल होता क्या है। सर्कल, अगर मान लो आपको यूं बोला जाए कि ग्राउंड में एक गोला बनाना है, सर्कल बनाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक खूंटा जैसा गाड़ते हैं या एक कोई सा भी रस्सी, वो रस्सी बनाई, खूंटा जो है ना एक जगह गाड़ा और फिर रस्सी को लेके चलना चालू किया तो सर्कल बन जाता है। यहाँ से हम सर्कल की डेफिनेशन दे सकते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई? दिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस मतलब पाथ ऑफ ए पॉइंट विच इज मूविंग अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। तो लोकस का मतलब क्या? ऐसे पॉइंट का पाथ जो किसी गिवन कंडीशन से चल रहा हो, तो उसके पाथ को बोलते हैं लोकस। अब यहां पे क्या कंडीशन है कि भाई हमने रस्सी से बांध रखा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट का इस खूंटे से डिस्टेंस वो कांस्टेंट है। तो ये अगर पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इसका ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये क्या बनेगा? इसमें सर्कल बनेगा, लोकस। अब जैसे अगर हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के, उससे डिस्टेंस अगर सेम हो, कांस्टेंट हो, तो वो ऐसे चलेगा, उसका हर जगह इन दोनों से डिस्टेंस बराबर होगा। मींस लोकस ऑफ दैट पॉइंट विल बी ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस तरह के लोकस के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। आपने देखा है मौत का कुआं, देखा होगा सर्कस वगैरह में, या वैसे भी उसमें मोटरसाइकिलिस्ट जो है ऐसे करके वो मोटरसाइकिल चलाता है। अगर मोटरसाइकिल चला रहा है, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ हिज हेड? दिस विल बी ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका सेंटर, जो अगर वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो लोकस means this is path of a point। तो यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले definition आई circle की। This is the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane। तो ये क्या होगा? These are infinite points और इनका collection That will be, और इसमें कंडीशन क्या है कि दे आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड दिस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हियर द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, and fixed distance this is called the radius of the circle। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम ये देखें कि यहां पे अगर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये इस प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तीन पार्ट्स कौन से होंगे? एक तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ऑल दोज पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस अगर सेंटर से वो लेस देन रेडियस हो, तो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स मतलब उसका डिस्टेंस सेंटर से
अगर लेस देन रेडियस हो तो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स, और अगर इक्वल टू रेडियस हो तो वो हो जाएगा सर्कल, ये हो जाएगा सर्कल, और अगर उसका डिस्टेंस मोर देन रेडियस हो देन दैट विल बी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस मोर देन रेडियस हो, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल खुद। वी विल सी सम ऑफ द डेफिनेशंस विच विल कम इन दिस चैप्टर सर्कल। तो हम सबसे पहले ये देख लें, इसमें से कुछ डेफिनेशंस आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं। पहला है कॉर्ड। हम अगर सर्कल में कोई से भी दो पॉइंट्स लें ए बी, और इसको अगर लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दें, देन दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, है ना। सो इफ वी टेक एनी टू पॉइंट्स एंड वी ज्वाइन इट बाय लाइन सेगमेंट, देन दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स पॉइंट्स ऑन सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, अगर ये हमने लिया सी डी तो दिस इज ऑल्सो ए कॉर्ड, बट यू विल सी दैट दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो डायमीटर क्या होगा, दिस इज ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। सो ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो कॉर्ड तो क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुई, ये हमने कोई से भी दो पॉइंट्स लिए। अब अगर ये पॉइंट्स हम यहां पे ये ए और ये बी ले लें, तो द पार्ट ऑफ दिस सर्कल मींस दिस पार्ट, दिस विल बी कॉर्ड एन आर्क। तो नेक्स्ट इज आर्क। आर्क क्या है, पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या ऑफ ए सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इट, तो ये हो जाएगा आर्क। अब मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है, अगर हमने कोई सी भी आर्क ली और इसके एंड पॉइंट्स को अगर यहां से सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो यहां पे सेंटर पे ये कुछ एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं मेजर ऑफ एन आर्क। मेजर ऑफ एन आर्क इसको डिनोट करते हैं एम आर्क ए बी। तो मेजर ऑफ एन आर्क ए बी क्या होगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें तो दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन आर्क। तो मेजर ऑफ एन आर्क इसको डिनोट करते हैं मेजर ऑफ आर्क ए बी, एंड व्हाट दिस विल बी, दिस विल बी मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल ए ओ बी,
ठीक है. सो दिस द मेजर ऑफ एन एंगल, दिस इज ए ओ बी, दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ आर्क. अब देखिए ये एंगल ये लेस देन 180 डिग्री भी हो सकता है, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री भी हो सकता है, और ये मोर देन 180 डिग्री भी हो सकता है. तो अगर मेजर ऑफ एन आर्क दिस इज लेस देन 180 डिग्री, देन दिस आर्क इज कॉल्ड, उस केस के अंदर इसको पर्टिकुलर नाम दे देते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क. ठीक है. और अगर ये 180 डिग्री पहुंच गया तब ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल. और अगर कोई आर्क ये मोर देन 180 डिग्री बना रही है, जैसे अगर हम यहां पे ये वाला पार्ट ऑफ द सर्कल देखें, तो ये मेजर ऑफ एन आर्क दिस आर्क, तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम मेजर आर्क, मेजर आर्क. ठीक है. तो यहां से हम माइनर आर्क इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं. इफ मेजर ऑफ आर्क ए बी इज लेस देन 180 डिग्री, देन दिस आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क. मेजर आर्क क्या होगा, इफ मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज मोर देन 180 डिग्री, देन दिस विल बी कॉल्ड मेजर आर्क, है ना. और अगर ये इक्वल टू 180 डिग्री हो, देन दिस आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल मतलब इफ मेजर ऑफ एन आर्क ए बी is equal to 180 degree, then this arc is called semicircle. अच्छा, circumference क्या होगा, circumference means length of complete arc of the circle, this is called circumference. अब इसके बाद में आते हैं हम definition segment. See what is segment. अभी हमने देखा था कि अगर कोई सा भी दो पॉइंट्स को अगर हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये तो बन जाती है कॉर्ड और ये बन जाती है आर्क, और आर्क और कॉर्ड के बीच का जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट. अच्छा, अगर ये माइनर आर्क होगी तो ये जो सेगमेंट बनेगा इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे. तो ये इसी को अपन लिख सकते हैं माइनर सेगमेंट, और ये मेजर आर्क है, तो ये मेजर आर्क और इसके बीच का एरिया दिस विल बी कॉल्ड मेजर सेगमेंट. दिस विल बी मेजर सेगमेंट. ठीक है. तो ये माइनर सेगमेंट हमने देख लिया और मेजर सेगमेंट देख लिया. और सेगमेंट है क्या, एरिया बिटवीन a chord and corresponding arc.
ठीक है, सो दिस इज, और माइनर सेगमेंट होगा, दिस इज एरिया बिटवीन ए कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. और मेजर आर्क में एरिया बिटवीन ए कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, मेजर आर्क. ठीक है, अब आते हैं सेक्टर. अब सेक्टर में अगर ये ए और ये बी पॉइंट हो तो ये तो हो जाएगी आर्क, और ये अगर ये सेंटर ओ है, इस आर्क के एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये क्या है, दो रेडियस है. तो रेडियाई और इस आर्क के बीच का एरिया, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. अच्छा, अगर ये आर्क माइनर आर्क होगी तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और अगर आर्क मेजर हो तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर. ठीक है, दिस इज मेजर सेक्टर. तो ये माइनर सेक्टर हो गया और मेजर सेक्टर हो गया. और सेक्टर होगी क्या, सेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, दिस इज पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन बिटवीन एन आर्क एंड corresponding corresponding radii. Radii is plural form of radius. ठीक है, तो और यहां पे ये पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन ए माइनर आर्क हो जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग रेडियाई. इसमें मेजर आर्क के अंदर क्या हो जाएगा, दिस विल बी पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन ए मेजर आर्क एंड करस्पॉन्डिंग रेडियाई, दिस विल बी. और सेमी सर्कुलर रीजन क्या हो जाएगा, अगर इसकी जगह माइनर आर्क और मेजर आर्क की जगह हमारे पास में सेमी सर्कल होगा, देन दैट पार्ट विल बी कॉल्ड सेमी सर्कुलर रीजन. ठीक है, तो थ्योरम्स में सबसे पहली थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. इक्वल कॉर्ड्स, तो यहां पे अगर हम दो कॉर्ड्स इक्वल ले लें, सपोज दिस इज ए बी एंड सी डी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब ये दोनों ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये एंगल, अगर ये ओ है सपोज, तो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, दिस वी हैव टू प्रूव. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये लिख लें कि गिवन टू प्रूव, ये सब चीजें हम इसमें लिख लें. So let us write given. Given में
ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल. सर्कल को डिनोट करते हैं सी ओ कॉमा आर. इसका मतलब होता है, यह सिंबॉल है सर्कल के लिए, कि दिस इज ए सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर. ये इसका मतलब है. सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड वी वॉन्ट टू प्रूव वी हैव टू प्रूव एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. Subtend equal angles at the center means angle AOB is equal to angle COD. ये चीज हमको प्रूफ करनी है. ठीक है, तो पहले हमको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन विल बी join OA, OB, OC and OD. Now proof. अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना. सबसे पहले समझ ले हम यहां पे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD OA is equal to OB. Reason is radii of same circle. Dusra AB is equal to CD. Reason is this thing is given. And OB is equal to OD. Again radii of the same circle. तो यहां पे तीन sides, अगर इन तीन sides के बराबर हो गए then these two triangles are congruent by SSS theorem. And once they are congruent, the next step hoti hai CPCT. So angle AOB will be equal to angle COD. This is by CPCT. Ab isi cheez ko hum likh de. So let us write in triangle AOB. AOB and triangle COD. पहले लिखेंगे OA is equal to OC. OA is equal to OC. Reason is radii of same circle. Next, OB is equal to OD. Again, same reason, radii of same circle, right? Then AB is equal to CD. Reason is given. And therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. ये दोनों आपस में congruent. Reason SSS theorem. ये पांच steps हो गई और छठी, therefore angle AOB is equal to angle COD. This is by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles. So this proves first theorem. इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है. ये देखिए, ये उसका कॉन्वर्स है. इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द टू कॉर्ड्स आर इक्वल. तो यहां पे अगर हम ये ए बी सी और डी,
यहां पे दिया हुआ है कि ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD. सो लेट अस राइट गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एंगल्स ऑब्टेंडेड बाय टू कॉट्स. सो AB एंड CD आर two chords of circle C with center O and radius R such that angle AOB is equal to angle COD. Now to prove we want to prove AB is equal to CD क्योंकि हमको यह प्रूफ करना है chords are equal. Now proof. यहां पे angle AOB angle COD दिया हुआ है इसीलिए construction लिखने की जरूरत नहीं है. In triangle AOB and triangle COD इन दोनों ट्राइंगल में वापस से OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD एंड दीज एंगल्स आर इक्वल. तो OA इज इक्वल टू OC, रीजन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल राइट. एंड OB is equal to OD, reason is same radii of same circle, ठीक है. और angle AOB is equal to angle COD, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमको, so given. So therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. अब देखिए कैसे, ये देखो ये दो साइड्स और बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड्स और बीच का इंक्लूडेड एंगल. सो बाय SAS थ्योरम, सो रीजन फॉर दिस विल बी SAS थ्योरम congruent. एंड therefore लास्ट स्टेप इज AB इज इक्वल टू CD. CPCT. क्योंकि यही तो हमको प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू CD. सो दिस थिंग इज प्रूव्ड. तो थ्योरम थी अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी इक्वल, और अगर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल.